हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खुशबू और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है सुबह का 3 बजे। रात में जा कर के सो गए और नींद टूटा ही नहीं, अभी 3 बजे उठ रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं प्रसाद बनाने के लिए, ठेकुआ सूप पर का जितना, इधर काजल और इधर मम्मी जी चूल्हा जोड़ रही हैं, तैयारी शुरू हो गया और हम लोग सब तैयारी अब करने लगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ठेकुआ बनाने हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे आज। ठेकुआ के लिए आटा सना रहा है, ये आटा और इसमें गड़ी नारियल और सौंफ डाल दिए। अब गुड़ में सनाएगा क्योंकि ये जो सूप का होता है तो गुड़ वाला ठेकुआ रहता है, और ऐसे जो साइड में बनाते हैं वो चीनी का भी बनाते हैं हम लोग, ऐसे गुड़ वाला बहुत सारा रहता है। तो ये पहला लॉट अब सनाना शुरू हो गया और उधर अग्नि देवता प्रकट होना शुरू हो गए, फटाफट अब बनेगा। बनने के बाद अब बारी आ गया दौरा सजाने का, और उतना सारा ठेकुआ बना, रात बहुत 10-11 बज गया। और इधर मम्मी तैयार कर रही हैं, सारा प्रसाद धो रही हैं, तो जब सारा सज जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है दौरा। उधर का सार, उधर ठेकुआ, रात में जो हम लोग 2 बजे से लगे थे वो सुबह 8-9 बजे 10 बजे ख़त्म हुई है। इतना सारा बनाना पड़ा, फटाफट फटाफट बनाए, अगर सारा फल को धो धा करके फिर से रखाएगा सारा सूप में। तो दौरा उरा बनाने के बाद अब हम लोग चले घाट पर, या हम, काजल, मम्मी जी, मम्मी और अर्नव, और हम लोग टेम्पो से जा रहे थे, पैदल नहीं जा रहे थे क्योंकि मम्मी का पैर भी दर्द हो रहा था और मेरी मम्मी भी नहीं चल पाती हैं, उतना दर्द करता है पैर, तो इस वजह से हम लोग ऑटो से ही जा रहे थे और गीत उत गाते हुए जा रहे थे। और हम लोग यहाँ पहुँच गए और कुछ दूर पहले ही ऑटो उतर गया था यहाँ पे, सोना दौरा लिए हुए थे, और जो हमारे देवर जी है वो भी दौरा लिए हुए थे, अर्नब साथ चल रहा था, यहाँ काजल भी थी, हम लोग सब कोई साथ चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूर नदी के किनारे से 10 मिनट का दूरी पे हम लोग को पैदल चलना था। तो धीरे 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 हम लोग नीचे जा रहे थे। घाट पर पहुंचने के बाद हम आ करके दौरा खोल रहे थे क्योंकि दौरा खोल करके सारा सूप रखना भी है। 3 दौरा हो गया था हम लोग का, तो 1 दौरा आ चुका था, ये लोग घाट पर रख चुके थे, और 2 दौरा हम लोग के साथ ऑटो में आया था। तो हम यहाँ पे बैठ करके सारा सूप निकाल करके सब सजा रहे थे क्योंकि सूप में सब में दिया जलाना होता है, दिया रहता है इसमें, और अगरबत्ती जलाना होता है। तो काजल और हम मिल के शुरू हो गए और हम सूप धीरे धीरे सारा फल उल सब एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि बांध
का टोकरी में लाने में हिलता भी है, तो इधर उधर भी होने का ये रहता है। तो हम सारा चीज़ चेक कर रहे थे और मम्मी पानी में जाने के लिए तैयार थी नहाने के लिए। तो हम मम्मी को बोले 2 मिनट रुक जाइए, हम यहाँ सेट करके हम चलते हैं आपके साथ में, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ का नदी ना उतना मतलब साफ़ नहीं था, पूरा काई काई लगा था पत्थर में। तो हम बोले मम्मी जी को कि हम साथ में चलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोगों का यहाँ पर आने के बाद, घाट पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग कलश बनता है। मम्मी यहाँ पे अर्पण उर्पण डाल करके सब यहाँ पे कलश का पूजा करती है, उसके बाद फिर नदी में जाती है। तो मम्मी वो तैयारी करने लगी और हम सारा दौरा जो था जितना भी वो सूप सारा सजा करके रख रहे थे अर्घ पड़ने के लिए, क्योंकि अर्घ में अभी टाइम था, क्योंकि बे डूबता है उस समय टाइमिंग, वहाँ से जहाँ पे मंच लगे रहता है वहाँ से पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं अर्घ देने का, तो अर्घ पड़ता है। और हम और काजल मिलके लग गए काम पे दोनों मिलके। तो काजल अगरबत्ती जलाने लगी और हम दिया का तैयारी करने लगे दोनों मिलके। बहुत अच्छा पर्व है, मतलब जो जानते होंगे उन्हें तो पता है इसका महत्व, लेकिन जो नहीं जानते हैं, बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है ये, क्योंकि हम लोग में माना जाता है कि हर देवी देवता का हम पूजा करते हैं, हर देवी देवता का ये है अस्तित्व है, सब पे श्रद्धा भक्ति है, सब चीज़ है। और लेकिन जो सूर्य देवता है, हम लोग सूर्य देव का यहाँ पर इसमें पूजन करते हैं छठ माँ का, तो सूर्य देवता हम लोग को रोज़ दर्शन देते हैं, तो वो सबसे बड़े देवता हम लोग मानते हैं, क्योंकि यही देवता है जो हम लोग को डेली दिखते हैं, डेली वो हमारे हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और हम यहाँ मम्मी का हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे जो मम्मी कलश बनाती है वहाँ पे कर हेल्प दे रहे हैं, हर सारा सामान दे रहे हैं उनको, और काजल अगरबत्ती लेके तैयार कर रही है ताकि सारा फल में अगरबत्ती गाड़ सके। और मम्मी को हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले वो कितना करेंगी, फास्ट में भी है और 3 दिन का उपवास हो जाता है, मतलब खरना के दिन भी उपवास रह करके ही लास्ट में प्रसाद खाया जाता है। और फिर वो जो प्रसाद से शुरू होता है 36 घंटे का महापर्व, 36 घंटे तक निर्जला उपवास रहना पड़ता है, और उसमें भी कंटिन्यूस काम करना है, रात भर ठेकुआ बनाना है, कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है। और एक एक सामान मम्मी को हम दे रहे, याद कर करके मम्मी से पूछ के, क्योंकि हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मम्मी लोग को नॉलेज है तो पूछ के सारा चीज़ हम लोग दोनों करने में लग जाते हैं। और हम घाट पर आते साथ ही बाल को टाई कर लिए, क्योंकि बिल्कुल भी बाल खुले रहता है तो मेरे को फिर काम करने में लगता है, फेस पे आ रहा है बाल, तो हम ये नहीं कर नहीं पाते। और यहाँ मम्मी दिया जला रही हैं सबका, सब दौरा पर कर, वहीं बोली पहले दिया जला दो, वहाँ पे पूजा आ जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग नदी में जाएंगे। और ब्लॉग मेरा लेट से इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऐसे में बहुत सारे गेस्ट लोग आए रहते हैं, घर में बहुत सारा काम रहता है, तो हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। और अब मंदिर में गए, मम्मी नदी में गई और हम खड़े थे मम्मी के साथ में, मम्मी वहाँ पे, हम लोग का इस पे दतमन से ब्रश होता है, आम का जो दतमन होता है ना उससे ब्रश होता है, तो मम्मी वहाँ ब्रश कर रही थी और हम यहाँ पे बैठे वहाँ खड़े थे। और सोना वीडियो शूट कर रहे थे, कैमरामैन बने हुए थे सोना, बहुत अच्छा से वीडियो लिए, सब बैठे हुए थे तो हम लोग ले रहे थे। मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी और मम्मी जी यहाँ नहाने के बाद भी बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, और नहाने के बाद यहाँ पे अब मम्मी अर्घ देने आ गई, तो यहाँ पे आंचल में अर्पण से टीका लगा, जिसको पता है वो तो जानते होंगे, तो घी से अर्पण से, फिर उसके बाद वहाँ पर आंचल में सिंदूर, पान पत्ता, सुपारी, कसैली, अच्छत, सब चीज़ देने के बाद आंचल में सूप दिया जाता है। और आंचल से ही हम लोग में अर्घ पड़ता है, ऐसे नहीं कि हाथ पे सूप लेके दे दिए, आंचल पे ही पूरा पूजा करने के बाद यहाँ पे मम्मी का मांग भरेंगे हम लोग, मांग भर के फिर उसके बाद मम्मी अर्घ देगी। और बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और यहाँ पे अर्घ चल रहा था, बहुत अच्छा लगता है, शादी जैसा पूरा माहौल रहता है 4 दिन का फेस्टिवल में। तो अब ये वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि और वीडियो अगर और बढ़ाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अर्घ देने के बाद मम्मी कपड़ा वपड़ा चेंज के हम लोग चल जाएंगे और फिर कल आएंगे फिर से सुबह का अर्घ के लिए। तो हम आपको मिलेंगे सुबह वाला अर्घ के साथ में, और पारण भी होगा तो उसका वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।